हे गाइस, आईआईटी हैदराबाद के पीएचडी एडमिशन्स हो चुके हैं चालू। उसमें आपको एप्लीकेशन आप अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डे ऑफ एप्लीकेशन है 14 अक्टूबर। अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं, विजन है यहाँ पर, अबाउट आप देख सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। इन्होंने यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया कि बीटेक ग्रेजुएट्स फ्रॉम सीएफटीआईज विद सीजीपीए 8.0 और मोर विल बी एलिजिबल फॉर अप्लाइंग फॉर पीएचडी प्रोग्राम एट आईआईटी हैदराबाद विदाउट गेट। और जिनके लोअर हैं यहाँ पे 8.0 से, उनको गेट क्वालिफिकेशन चाहिए रहेगी पीएचडी प्रोग्राम के लिए। अगर हम यहाँ पे ब्रॉशर्स पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं इतने सारे यहाँ पर सब्जेक्ट्स हैं अवेलेबल। अगर हम यहाँ पे सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट देखें जो कि है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद में, यहाँ पर जनवरी 2023 से पीएचडी शुरू होने वाली। आप यहाँ पे इनके बारे में पढ़ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। ये सब इन्होंने बता रखा है कि रिसर्च एक्टिविटीज़ इन द डिपार्टमेंट आर फंडेड बाय, कौन फंड कर रहा है यहाँ पर, ये सब इन्होंने मेंशन किया हुआ है। अगर हम यहाँ पर आगे देखें, आपको यहाँ पर दिख भी रहा है कि ये सारे रिसर्च एरियाज हैं। आपको अगर इनमें से किसी भी रिसर्च एरिया में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पे अगर हम देखें मिनिमल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कि आपके पास एमटेक होनी चाहिए लाइफ साइंस में, बायोटेक्नोलॉजी में या फिर फिजिकल साइंस में। आपके पास एमएससी होनी चाहिए लाइफ साइंस में, बायोटेक्नोलॉजी में, फिजिकल या फिर केमिकल साइंस में। और यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए, नेट जेआरएफ होना चाहिए या फिर क्वालिफाइड गेट होना चाहिए, और नीड नॉट बी वैलिड। मतलब हो सकता है कि आपने कभी तो सीएसआईआर गेट, सीएसआईआर नेट और गेट क्लियर किया हो, लेकिन हो सकता है कि वो एक्सपायर हो गया हो, तो वो स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर बीटेक बी वाले स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि आपको यहाँ पर कितने मार्क्स चाहिए, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी को इतने चाहिए, ओबीसी को इतने, एससी एसटी को इतने। दो कैटेगरी में एडमिशन होगा। पहली कैटेगरी होगी जिसमें आपको इंस्टीट्यूट फेलोशिप होगी। इंस्टीट्यूट फेलोशिप अगर आपको चाहिए तो एनी कैंडिडेट्स विद एमटेक, एमएससी, बीटेक, एमबीबीएस डिग्री कैन अप्लाई, जिसमें आपको इंस्टीट्यूट फेलोशिप मिलेगी। और दूसरी आपको फेलोशिप मिलेगी एक्सटर्नल फंडिंग जो एजेंसी है, जैसे कि सीएसआईआर नेट, यूजीसी नेट, आईसीएमआर, डीबीटी, ये आपको यहाँ पर फंडिंग देंगे। तो दो चीज़ों से यहाँ पे आपको फंडिंग मिल सकती है। तो अगर अभी आपका नेशनल वाइड एग्जाम कोई भी अगर वैलिड नहीं है फिलहाल, तो आप फर्स्ट कैटेगरी से आपको इंस्टीट्यूट फेलोशिप मिल जाएगी। वहीं अगर आपके पास अभी वैलिड स्कोर प्रेजेंट है, जिसकी अभी बची है यहाँ पर फेलोशिप की जो 2 साल का पीरियड होता है, जैसे कि सीएसआईआर नेट के लिए, तो आप फिर अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे आगे देखें सिलेक्शन प्रोसीजर क्या, कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया सेट बाय अ शॉर्टलिस्टिंग कमेटी। यहाँ पर ये बता रखा है कि इन्हें करना है, आपको यहाँ पे जाके अप्लाई करना होगा। फिर ये सब इन्होंने बता रखा है, कैरियर प्रोस्पेक्टस वगैरह इन्होंने बता रखा है। दूसरा यहाँ पर हमारे काम का बायोमेडिकल इंजीनियरिंग भी है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या है, इन्होंने सब मेंशन कर रखा है। आपको ये पूरा जो पीडीएफ है वो वेबसाइट से मिल जाएगा। आप आराम से इसके बारे में सब कुछ देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर अभी ये सब प्रेजेंट है आईआईटी हैदराबाद में। अगर हम यहाँ पर आगे देखें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कि आपके पास यहाँ पर एमएससी होनी चाहिए, एमएस होनी चाहिए, एमई होनी चाहिए, एमटेक, एमबीबीएस, बीडीएस होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और मास्टर्स डिग्री इन साइंस इन एंड एलाइड एरिया एंड प्रोसेसिंग अ वैलिड गेट स्कोर मे ऑल्सो अप्लाई, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर दोज हु हैव नॉट येट कम्प्लीटेड देयर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मार्क्स अप टू द 7th semester, 3rd semester, 3rd year, 1st year ऑफ फॉर पी जी स्टूडेंट्स विल बी कंसिडर्ड, उनको भी कंसिडर किया जा सकता है। कैंडिडेट्स विद सी एस आई आर नेट, यू जी सी और इक्विवेलेंट गेट क्वालिफिकेशन एनकरेज टू अप्लाई, मतलब अगर आपके पास ये क्लियर है तो आप एनकरेज किया जा रहे हो कि आप अप्लाई करो, बट अगर आपके पास नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। प्लीज नोट दैट द स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया मे बी यूज बेस्ड ऑन द, ये आपको बता रखा है कि किस तरीके से होगा। यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन दे रखी है क्या क्या है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है। तो अगर गाइज आप अप्लाई करना चाहते हो, या फिर अगर आप किसी और सब्जेक्ट के भी हो, तो आप ब्रॉशर में जाके देख सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, टेक केयर, बाय बाय। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा।